नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं तन्वी। तो आज हम बनाएंगे आलू का हलवा और आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अक्सर सबके घरों में व्रत के दिनों में ये आलू का हलवा बनता ही है और बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो मैंने लिया है, देखिए उबले हुए आलू हैं, चीनी है। चीनी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नारियल का भूरा लिया है, इलायची पाउडर है, चिरौंजी है, काजू बादाम है, काट लिया है मैंने इन्हें, और किशमिश है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आलूओं को हम छील लेंगे, इसे पहले मैं साइड में कर देती हूँ और इसके बाद हम आलूओं को छील लेंगे। ये उबला हुआ मैंने आलू लिया है। क्वांटिटी आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, आप हल्के हाथ से करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है, सारे आलूओं को। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डाला है मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो देसी घी को डाल के मैंने कढ़ाई में देखिए सब जगह फैला दिया है ताकि जब भी हम अपना आलू का हलवा इसमें बनाएं तो आलू इसमें ज़्यादा चिपके नहीं, थोड़ा बहुत तो चिपकेंगे ही। अगर आपके पास नॉनस्टिक की कढ़ाई हो तो आप उसमें ही बनाइए, पर अगर आपके पास मेरी तरह सिल्वर की कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी हाथों की बस, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसे भूनना बहुत ज़रूरी है और जितना ज़्यादा आप इसे आलू को भूनेंगे उतना ही स्वादिष्ट आपका हलवा बनेगा। फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, देखिए करीब 1 चम्मच होगा ये, और इसे हम भूनते जाएंगे और जो भी कढ़ाई में चिपकता जाएगा उसे हम निकालते जाएंगे क्योंकि इसी से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा अगर आप इस तरह से बनाओगे तो। तो हलवा बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था और वो भी ऐसी सिल्वर की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा हलवा बनाती थी। तो देखिए मैंने इसे भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी और चीनी डालने के बाद ये हलवा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और भूनने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। और माँ कहती हैं कि बर्तन से कोई मतलब नहीं है, खाने में स्वाद होना चाहिए बस। तो देखिए जो भी कढ़ाई के तले में लग रहा है ना, इसे हमें छुड़ा लेना है और इसी से हलवे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसे छुड़ाते जाएंगे बराबर, जैसे कढ़ाई में हम कभी दूध दूध पकाते हैं, मलाई जो पड़ती है उसे हटाते जाते हैं ना, वैसे बिल्कुल ही इसे भी हटाते जाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा। तो इसमें डाल देते हैं देखिए नारियल का भूरा, अगर आपके पास हो तो आप डालिए वरना आप नारियल के छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं इसमें। और ये मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, काजू बादाम और ये किशमिश। तो फिर से इसे मिला देंगे बराबर, ये देखिए, और 2 मिनट के लिए फिर से इसे भून लेंगे। बस 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं, इसे मिलाते जाएंगे चलाते जाएंगे और जो भी कढ़ाई में लगता जाएगा उसे छुड़ाते जाएंगे। ये देखिए, सिल्वर की कढ़ाई में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ी सी मेहनत होती है, बाकी आप नॉनस्टिक की कढ़ाई में बनाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें ये चिपकता ही नहीं है आलू, तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाद के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर से मैंने इसे छुड़ा लिया है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मिलाते और छुड़ाते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमें कम से कम 10 मिनट तक करना है और 10 मिनट में ये हलवा बन जाता है। तो देखिए ये अब हलवा बन गया है और बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अब इसे बाउल में निकाल लेंगे और ये हलवा ठंडा भी बहुत ही अच्छा लगता है और गर्म भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और ये हलवा बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से मोटिवेट होती हूँ मैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।